नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। कुरान की 26 आयतों पर सवाल वसीम रिजवी उठा रहे हैं। वैसे तो वो कह रहे हैं कि ये जो आयतें हैं उनसे कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है। क्या है वसीम रिजवी के PIL में जिससे पाक कुरान पर कानूनी जंग छिड़ गई है? आखिर क्यों कुरान की आयतों पर सवाल उठा रहे हैं वसीम रिजवी? आखिर क्यों वसीम रिजवी को लगता है कि ये आयतें कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली हैं? बयान के बाद वो धर्मगुरुओं के निशाने पर क्यों आ गए? 1985 में दायर हुई थी याचिका। एडवोकेट चांदमल और शीतल सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था। 29 मार्च 1985 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था और कोर्ट से सरकार को पाक पुस्तक की प्रत्येक प्रति को जब्त करने का निर्देश देने की अपील दी गई थी। उस वक्त न्यायमूर्ति खस्तगीर JK ने इस याचिका पर विचार करते हुए दूसरे पक्षों को नोटिस भी जारी किया था। उस वक्त की कम्युनिस्ट शासित राज्य बंगाल ने याचिका पर कड़ा रुख दिखाते हुए हलफनामे में कहा था कि अदालत के पास कुरान पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ प्रत्येक शब्द इस्लामी मान्यता के अनुसार अटल है। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद मामला विभिन्न खंडपीठों को स्थानांतरित होता रहा और आखिरकार 17 मई 1985 को याचिका खारिज कर दी गई। ये 1986 की बात है। दिल्ली के मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट JS लोहाट ने एक जजमेंट पास किया जिसका जिक्र सीताराम गोयल की पुस्तक कलकत्ता कुरान पिटिशन में मिलता है। इंद्रसेन और राजकुमार नामक व्यक्ति ने कुरान की कुछ आयतों को लेकर एक पोस्टर बनाया था जिसमें लिखा था कि ये 24 आयतें हटाई जानी चाहिए क्योंकि ये पूरी तरह से हिंसा फैलाती है। इस वजह से उनके खिलाफ इंडियन पिनल कोड की धारा 295A और 153A के अंतर्गत मामला दर्ज हो गया, जिसके ऊपर फैसला सुनाते हुए जज लोहाट ने जो कहा वो गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी आयतों को कुरान मजीद से मिलान किया और पाया कि सभी अधिकांशतः आयतें वैसी ही उद्दत की गई हैं जैसे कि कुरान में। लेखकों को सुझाव मात्र है कि यदि ऐसी आयतें ना हटाई गई तो सांप्रदायिक दंगे रोकना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए इन आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं, जिनसे एक तरफ मुसलमान और दूसरी ओर देश के शेष समुदाय के बीच मतभेद पैदा होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों व्यक्ति को बरी करते हुए मामले को खारिज कर दिया। सबसे पहले आपको उन 26 आयतों के बारे में बताते हैं जिसे वसीम रिजवी द्वारा विवादित कहे जा रहे हैं और उसे हटाए जाने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है जिसका हिंदी अनुवाद quraninhindi.com में मिल जाएगा। चैप्टर 9 सूरा 5। फिर जब हराम महीना बीत जाए तुम मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज कायम करें और जकात दें तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चित ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। चैप्टर 9 सूरा 28। हे ईमान लाने वालों, मुशरिक मूर्ति पूजक नापाक हैं, अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आए। चैप्टर 4 सूरा 101। जब तुम धरती में यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नवाज को कुछ संक्षिप्त कर दो। यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे, निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। चैप्टर 9 सूरा 123। हे ईमान लाने वालों, मुसलमानों, उन काफिरों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं और चाहिए ये कि वे तुम्हें शक्ति पाएं। चैप्टर 4 सूरा 56। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्दी ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मजा चखते ही रहे। चैप्टर 9 सूरा 23। ए ईमान लाने वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को अपने मित्र ना बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। चैप्टर 9 सूरा 37। आदर के महीने का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष में उसे हलाल ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा देते हैं ताकि अल्लाह के अद्वैत की संख्या पूरी कर लें और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए वैद को ठहरा लें। उनके अपने बुरे कर्म और उनके लिए सुहाने हो गए। अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। चैप्टर 5 सूरा 57। ए ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना लिया और उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। चैप्टर 33 सूरा 61। फिटकारे मुनाफिक हुए होंगे, जहां कहीं पाए गए पकड़े जाएंगे और बुरी तरह जान से मारे जाएंगे। चैप्टर 21 सूरा 98। निश्चय ही तुम और वह कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो सब जहन्नम के ईंधन हो, तुम उसके घाट उतरोगे। चैप्टर 32 सूरा 22। और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए फिर वह उसकी मुँह फेर ले,
निश्चय ही हम अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। चैप्टर 48 सूरा 20। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। यह विजय तो उसने तुम्हें तत्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न कर सके, और ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वह सीधे मार्ग की और तुम्हारे मार्गदर्शन करें। चैप्टर 8 सूरा 69। अतः जो कुछ गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया उसे वैध पवित्र समझ कर खाओ और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील है, अत्यंत दयावान है। चैप्टर 66 सूरा 9। ए नबी, इनकार करने वालों और कपटचारियों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और वह अंततः पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। चैप्टर 41 सूरा 27। अतः हम अवश्य उन लोगों को जिन्होंने इनकार किया कठोर यातना का मजा चखाएंगे, और हम अवश्य उनको उनसे बदला लेंगे जो निकृष्टतम कर्म से करते रहे। चैप्टर 41 सूरा 28। वह अल्लाह के शत्रुओं का बदला, आग उसी में सदा का घर है उसके बदले में जो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। चैप्टर 9 सूरा 111। निसंदेह अल्लाह ने ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल उसके बदले में खरीद लिए हैं। उनके लिए जन्नत है, वे अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं तो वह मरते भी हैं और मारे भी जाते हैं। यह उसके जिम्मे तौरात, इंजील और कुरान में है किया गया एक पक्का वादा है, और अल्लाह से बढ़कर अपने वादों को पूरा करने वाला हो भी कौन सकता है। अतः अपने उस सौदे पर खुशियाँ मनाओ जो सौदा तुमने उससे किया है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। चैप्टर 9 सूरा 58। और उसमें से कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोट करते हैं, किंतु यदि उनमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं, और यदि उन्हें उसमें से ना दिया जाए तो क्या देखोगे कि वे क्रोधित होने लगते हैं। चैप्टर 8 सूरा 65। ए नबी, मोमिनों को जिहाद पर उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे होंगे तो वे 200 पर प्रभावी होंगे, और यदि तुम में से 100 होंगे तो वे इनकार करने वालों में से 1000 पर प्रभावी होंगे, क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। चैप्टर 5 सूरा 51। ए ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजदार ना बनाओ। वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता है। चैप्टर 9 सूरा 29। वे किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ना अंतिम दिन पर, और ना अल्लाह और उसके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं, और ना सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर और छोटे बनकर जिजिया देने लगे। चैप्टर 5 सूरा 14। और हमने उन लोगों को दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नासरा ईसाई हैं, किंतु जो कुछ उन्हें जिसके द्वारा याद कराया गया था उसे एक बड़ा भाग भुला बैठे। फिर हमने उसके बीच क़ियामत तक के लिए शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वे बनाते रहे थे। चैप्टर 4 सूरा 89। वे तो चाहते हैं कि जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बन उन जैसे हो जाओ, तो तुम उनमें से अपने मित्र ना बनाओ जब तक कि वे अल्लाह के मार्ग में घर बार ना छोड़ें। फिर यदि वे इससे पीठ फेरें तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो। जहां कहीं भी उन्हें पाओ तो उनमें से किसी को ना अपना मित्र बनाना और ना सहायक। चैप्टर 9 सूरा 14। और हमने उन लोगों से भी दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा ईसाई हैं, किंतु जो उन्हें जिसके द्वारा याद कराया गया था उसका एक बड़ा भाग भुला बैठे। फिर हमने उनके बीच क़ियामत तक के लिए शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वे बनाते रहे। चैप्टर 3 सूरा 151। हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का साक्षी ठहराया जिसके साथ उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग जहन्नम है, और अत्याचारों का क्या ही बुरा ठिकाना है। चैप्टर 2 सूरा 191। और जहाँ कहीं भी उन पर काबू पाओ कत्ल करो और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि कितना उपद्रव कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम के निकट तुम उनसे ना लड़ो जब तक कि वे स्वयं तुमसे वहाँ युद्ध ना करें, अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। ऐसा इनकारियों का ऐसा ही बदला है। वसीम रिजवी की क्या है दलील? वसीम रिजवी की तरफ से कुरान की 26 आयतों को छपे यानी बाद में जोड़ी गई आयतें बताते हुए उनको पवित्र किताब से हटाने का आदेश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। उनका कहना है कि इतिहास गवाह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के निधन के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर ने उन 4 लोगों को पैगंबर हजरत मोहम्मद पर नाजिल अल्लाह पाक के मौखिक संदेश को किताब की शक्ल में संग्रहित करने को कहा। तब तक हजरत के मुख से समय समय पर निकले संदेशों को लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक तौर पर ही याद करते रहे। जैद बिन ताबित को आयत लिखने की मिली जिम्मेदारी। पहले खलीफा ने उन 4 लोगों को जिम्मेदारी दी जो हजरत के साथ रहे थे। सही अल बुखारी ग्रंथ के मुताबिक
अबिब बिन काब, मुआज बिन जबल, जैद बिन ताबित और अबू जैद को ये जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त तीन अन्य लोगों ने सर्वसम्मति से हफ्ज कुरान की आयतों को लिखने की जिम्मेदारी जैद बिन ताबित को दे दी। कुरान पाक लिख दिया गया और पैगंबर मोहम्मद साहब की चौथी बीवी और दूसरे खलीफा हजरत उमर की बेटी का हफ्सा के हाथों में सौंप दी गई। फिर तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के ज़माने में अलग अलग लोगों के लिखे करीब 300 कुरान शरीफ प्रचलन में थे। उस वक्त इस्लाम को तलवार के दम पर फैलाने की मुहिम चल रही थी। याचिकाकर्ता की दलील है कि उसी समय ये 26 आयतें जोड़ी गई। इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना और धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, खून खराबा फैलाने वाले हैं। रिजवी की याचिका के बाद मिल रही धमकी। वसीम रिजवी के खिलाफ दो संगठन अंजुमन खुदवाए रसूल तथा इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल ने पुलिस को अलग अलग तहरीर देकर संयुक्त तो प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये दोनों संगठन दरगाह आला हजरत से जुड़े हैं। मुरादाबाद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमीरुल हसन जैदी ने रिजवी की इस मांग को समुदाय के धार्मिक विश्वास को ठेस पहुँचाने वाला बताया। साथ ही हसन ने 13 मार्च को सिविल लाइन इलाके के IMA हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में रिजवी का सिर लाने वालों को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा कर डाली। परिवार ने भी किया किनारा। अपने इस मांग के बाद वसीम रिजवी अलग थलग पड़ गए। रिजवी के परिवार ने भी फिलहाल इस मसले के बाद से उनका साथ छोड़ दिया। वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम संगठनों में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। उलेमाओं संगठन, समाज और अब तक तो राजनीतिक दलों ने भी वसीम रिजवी की इस मांग पर अपनी असहमति जताई है। वसीम रिजवी फिलहाल तन्हाइयों में गुजारा कर रहे हैं। उनके साथ सुरक्षा में लगे पुलिस के जवान ही हैं। रिजवी को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। इसमें समाज और परिवार का साथ छोड़ दिए जाने के बाद रिजवी को इन्हीं पुलिसकर्मियों का सहारा है। बहरहाल हम वसीम रिजवी के दावे का ना ही समर्थन करते हैं, ना ही उनकी याचिका या मांग से इत्तेफाक रखते हैं। इससे जुड़े जो भी तथ्य थे उसको हमने आपके सामने रखा। आज के लिए दें इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।